जय हिंद दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आपके समस्त परिवार को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे रनिंग की। आज जो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं वो रनिंग की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिनकी एज नहीं हुई है, तो वो रिटर्न की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया, थोड़ा ड्यूटी थी इसलिए, और कोशिश करते रहता हूँ हमेशा कि आप लोगों के सामने आते रहें, जिससे यार क्या बताएं, हमें भी लगे अपना जैसा कि हमें भी कोई है। मैं यहाँ जंगल में अकेले फौज में बहुत अकेलापन लगता है, बाकी यहाँ लोग तो हैं ही, फिर भी एक जुड़े होते ना, जहाँ बचपन से वहाँ थोड़ा यादें आती रहती है। फौज की ऐसी ज़िंदगी ही होती है, क्या करें, करना पड़ता है अपने परिवार के लिए और आने वाले भविष्य के लिए करना पड़ता है। बाकी आप लोग जब फौज में आइएगा तो आपको खुद पता चलेगा। इसलिए घर पे हैं होली में तो खुशियाँ मनाइए, बाकी आप लोग को खुश देखकर हम लोग को भी खुशियाँ मिलती है। इसलिए हम खुशी नहीं मना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, परिवार हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे देशवासी तो होली मना रहे ना, खुशी मना रहे हैं, बस दिल खुश हो जाता है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कैसे हैं वो कमेंट कीजिए, जिससे पता चले कि आप लोग ठीक हैं अच्छे हैं जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं जो BSF की ट्रेनिंग के टाइम कितनी वेतन थी, जो उनमें बताने वाले हैं आपको क्या क्या अलाउंस मिलता था ट्रेनिंग में। तो ठीक है दोस्तों, बाकी हमसे जुड़े रहिए, बाकी ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या कहेंगे इससे ज़्यादा। एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखकर बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा जो फ़र्ज़ बनता है, मेरा दिल करता है कुछ मदद करने की, किसी को लगता है कि शायद हम किसी को मदद कर सकते हैं तो क्यों हाथ पैर बांध के बैठे रहें, बस दिल करता है, और करने से तो कुछ होता नहीं ना। तो कहेंगे हमें, उम्मीद करता हूँ कि हमें मौका मिलेगा वैसा करने की, कुछ मदद करने की, अपने खुद को सौभाग्य मानूंगा जब हमें मौका मिलेगा किसी को कुछ हेल्प करने की, चाहे कोई भी हो। तो अपने आप को उस लायक बनाना चाहता हूँ कि किसी न किसी को मदद करें, भले किसी को हमें मजाक लगता हो, किसी को लगता हो कि ये फालतू को बोल रहा है, तो उनको क्या कर सकते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं, हर किसी को तो मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी ना। बाकी किसी जिसको अच्छी लगती है, जो लगता है कि हमें सही बताते हैं या फिर हम सही बताएंगे, आप मेरे भाई हो या फिर बड़े भैया हो, तो छोटे हो तो मेरे भाई छोटे भाई की तरह हो, तो आपको पूरी पूरी मदद ही करता हूँ, प्रयास करता हूँ किसी को गलत ना बताएं, हमारे गलत से हमारे बताने से अगर आप गलत रास्ते पर चले जाइएगा तो हमें आपसे ज़्यादा तकलीफ हमें होगी, अगर हमारे कहने से जहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो हमें खुशी मिलेगी। जब आप मिलिएगा कभी बाई चांस बताइएगा हमें कि आपने कुछ बताया जिसकी वजह से हम यहाँ मुकाम पर खड़ा, तो बहुत खुशी मिलती है यार, दिल से बताता हूँ, बहुत खुशी मिलती है कि आप जब सक्सेस होते हैं। अब कहने कभी किसी को हेल्प करके देखिएगा, आप जब हेल्प करते हैं किसी को और वो उसे मदद मिलती है, वो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है ना उसके साथ, मतलब जो जो जिस उम्मीद से आप बताना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं वो सच में हो जाते हैं ना, तो उस बंदे को तो खुशी मिलती ही मिलती है, जिस जो आप मदद करते हो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये आप कभी बिलीव करके देखिएगा, अब अगर आप किए होंगे ना तो आपको पता होगा बिल्कुल सही है। बाकी तैयारी, जो GD का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट के आने का इंतज़ार ना करें, जिनकी लगती है कि हमें अच्छे खासा आंसर की में नंबर आ रही है, तो 70% 60% क्या ऊपर नंबर आ रहे हैं, जो भी हैं बिहार के हैं या फिर जो जहाँ हाई कट ऑफ जाती है वहाँ के 60% ऊपर हैं, तो वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें और इन रिज़ल्ट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अब मैं रनिंग गर्मी में होने वाली है, अभी मार्च अप्रैल में आसपास मई में आसपास रनिंग होने वाली है आपकी, तो पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि गर्मी में रनिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, धूप हो जाती है। तो बाकी और एक और बात बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिसकी नंबर अच्छे आ रहे हैं ना उन्हें लगता है कि हमें सिलेक्शन हो जाएगी, तो वो कृपया अगर स्टडी छोड़े ना, एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि घर में रहने की आपको लास्ट मौका मिल रही है, थोड़ा मस्ती कीजिए, मस्ती के साथ साथ ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको लगता है कि हमें आगे कुछ करना है तो आप स्टडी के साथ साथ एक टाइपिंग जरूर मार लीजिए, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग हो तो बहुत बढ़िया है, हिंदी टाइपिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है फौज में आने के बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, आपको ऑफिस में काम मिल जाएगी तो आराम से ज़िंदगी निकल जाएगी, ऑफिस में काम मिलेगी तो, और पढ़ने की मौका मिलेगा आपको कुछ आगे करने का। तो हमें सलाह देता हूँ कि अगर आप टाइपिंग मारते हैं, हिंदी टाइपिंग करके आते हैं तो बढ़िया, अभी आपके पास टाइम है 5-6-7 महीना, तो आराम से आप कर सकते हैं,
इसकी ज्वाइनिंग करीब करीब आपको नेक्स्ट ईयर में होगी या फिर लास्ट इस ईयर का लास्ट में नवंबर दिसंबर में होगी। तो अभी आपके पास अच्छी खासी टाइम है, तो कृपया टाइपिंग मारेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, हमसे जुड़ा रहना चाहते तो जुड़िए, नहीं तो फिर आप हमसे दूर हट जाइए, कोई बात नहीं। ऐसे भी हमें जी भी जो भी एक कहावत ना, जो बंदे मतलब जो भी साथ देने पर हो कि कभी साथ ना छोड़ें, तो ऐसे साथ ही चाहिए जो हमें हमेशा साथ दें। आज हमारे साथ हैं कल किसी और के साथ तो वो नहीं, भगोड़ा नहीं चाहिए कि आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं कल नहीं सपोर्ट करें। बाकी जो हमें समझते हैं, जो लगता है कि हाँ सही बता रहा है, तो सपोर्ट करेंगे, किसी को बोलने से किसी के कहने से नहीं करेंगे, उन्हें खुद अच्छा लगेगा तो वो करेंगे। बाकी आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली मनाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।